आज हम खास मुलाकात में खास शख्सियत से मिलने की और यहाँ पे अहमदाबाद में वो खास शख्सियत है प्रफुल्ल भाई गर्वी, जो कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री इनको एजुकेशन अवार्ड दिया है 2019 को, तो उनसे आज मुलाकात करते हैं। सबसे पहले प्रफुल्ल भाई गर्वी जी, आपको नमस्ते और नवतेज में बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आपको मुख्यमंत्री अवार्ड दिए, तो ये अवार्ड जो है किस रूप में था, आप जनता को बताइए। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी ने जो अवार्ड दिए उसके लिए मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और ये अवार्ड जो मुझे मिला है वो मैं 2011 से लेके 2019 तक अलग अलग गुजरात में जितने भी टीवी चैनल्स है सब में मेरा एक कैरियर गुरु प्रोग्राम चलता है, जो प्रोग्राम में मैं जितने भी एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट की ओर से आती है, गुजरात सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, यूपीएससी हो, जीपीएससी हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, पीएसआई, एएसआई, कांस्टेबल, तलाटी, उन सब के बारे में मैं उसकी डेट, आखिरी डेट जो है वो पूरी हो जाए उसके पहले मैं स्टूडेंट को सब समझाता हूँ, उसमें सिलेबस क्या है, उनकी वो जो लास्ट डेट होती है उसके पहले फॉर्म कैसे भरते हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसमें कैसे वो फॉर्म भर के फॉर्म फिलअप करते हैं, वो सब मैं जानकारी देता हूं। और हम जब तक वो एक महीने या तो 15 दिन वो एडवर्टाइजमेंट चले तब तक पूरे गुजरात के हर सिटी में फ्री सेमिनार करते हैं, वो फ्री सेमिनार में हम बुक्स जनरल स्टडी की फ्री में देते हैं। और अभी जो गुजरात विद्यापीठ के अंदर आदिवासी संशोधन केंद्र है उसमें जो लेक्चर लेते तो उनमें जो भी SC ST के लड़के आते उनको उस सेंटर से हम फ्री में बढ़ाते, हमारे यहाँ पे भी जो लड़के आते उनकी हम एक नॉमिनल फी लेते जो 5,000-6,000 उनसे ज्यादा नहीं रहती, वो फीस में हम अभी मध्यम वर्ग के जो लड़के आते गरीब लड़के जो आते उनको जब तक जॉब ना मिले तब तक उसको 1 साल 2 साल 3 साल तब तक पढ़ाते, नया कोई पैसा लेते नहीं है। और मैं जो कुमार प्रकाशन में बुक्स लिखता हूँ उसमें मैं कुमार प्रकाशन में स्पर्धात्मक परीक्षा का लेखक हूँ, वो बुक्स मुझे रॉयल्टी के स्वरूप से जो मिलती है वो मैं स्टूडेंट को मुफ्त में देता हूँ, कि मेरी गरीबी कैरियर डेवलपमेंट एकेडमी में जो भी स्टूडेंट आता है वो स्टूडेंट को कोई बुक्स लानी नहीं होती, वो सब बुक्स मैं मेरी तरफ से फ्री में देता हूँ। उनको जो पेपर सेट होता है वो पेपर सेट भी लाना नहीं होता, वो भी मैं फ्री में देता हूँ। और दूसरी बात यह कि गुजरात में जो भी यूनिवर्सिटी ऐसा कोर्सेज चलाती है, सपोज की हम बात करें तो CCDC सेंटर सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, वो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में मैं 2014 से उधर लेक्चर लेने के लिए जाता हूँ। मैं उधर इसीलिए जाता हूँ कि वो लोग 1,000 रुपए या तो 500 रुपए में उनका ऑनली रजिस्ट्रेशन करके 500 से लेकर 1,000 लड़कों तक 3 महीने या 4 महीने की बैच चलाते हैं, वो बैच में वो 4-5 बुक्स जो जिनकी मार्केट वैल्यू 400-500 रुपए होती है वो उनको फ्री में देते हैं। तो वहीं भी मैं लेक्चर लेने जाता हूँ, उसमें पूरे दिन में 8 कलाक में बढ़ाता हूँ। आज आप देखें तो पूरे इंडिया में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको स्पर्धात्मक परीक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तो 7 करोड़ रुपए की उनको ग्रांट मिली है, वो उनकी बिल्डिंग बनाने के लिए कि स्पर्धात्मक परीक्षा के लड़के उनमें पढ़े। तो ऐसी जितनी भी संस्था है वहां पे मैं जाके फ्री में बुक्स देता हूँ। अभी संडे को ही मैंने सौराष्ट्र विद्यापीठ में फ्री में बुक दिए, 25 जुलाई को मैंने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में GPS UPSC का सेमिनार किया, उसके साथ 8 कलाक का लेक्चर लिया, उनमें भी सबको बुक फ्री में दी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जब लिए मैं रुकूंगा तो एक यस यस। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया काफी मेरे को जो हृदय जनता को सुनने वाली शब्द है, जो गुजरात गवर्नमेंट भी जो है ये सराहनीय कदम के लिए आपको सपोर्ट करता है, आज ये साबित आप खुद किए हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार में एक जो सुपर 30 है आकाश है, वो गुजरात के अंदर में आकाश तो आ चुका है एजुकेशन, लेकिन काफी महंगा है, हर इंसान बच्चे जा नहीं सकते हैं, लेकिन आपने ये सब किए हैं, किस तरीके ये आपका सोच और सराहनीय का जो है अवार्ड दिए हैं, बहुत गर्व की बात है, लेकिन आपका ये कहां से ये अपना हृदय से बात आया? मेरे हृदय से बात यह है कि मैंने जब फार्मेसी किया तब हम ट्यूशन क्लासेस कर सके इतने पैसे हमारे पास नहीं थे, तो उस वक्त मैंने वो पूरी फार्मेसी की जितनी बार बुक्स थी सबका मैंने गुजराती कर दिया। उसके बाद वो मैंने फार्मेसी की बुक मैंने अपने नोट्स के स्वरूप में बनवाए, वो नोट्स के स्वरूप में मैंने जो बनवाया वो कुमार प्रकाशन ने मेरी सबसे पहली जूनियर फार्मासिस्ट की बुक प्रकाशित की। उसके बाद वो सब लड़के मुझे मिलने आए थे कि सर इसका कोई लेक्चर नहीं रहा, और वो लड़के जो है वो सब गरीब थे उस वक्त, आज गुजरात गवर्नमेंट में वो जूनियर फार्मासिस्ट के हैसियत से काम कर रहे हैं, वो आज तापी जिला में है, वलसाड में काम करते हैं, अहमदाबाद में वो लोग गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में ESS में काम करते हैं,
पीएससी सीएचई में। अभी तक कितने विद्यार्थी यहाँ से पास आउट हुए, पास आउट हुए और कितने आदमियों को अभी तक जॉब लगा? हमारी गगरी कैरियर डेवलपमेंट एकेडमी हमने शुरू की है 2013 में, आज 7 साल में आप गिनेंगे तो 32,000 के ऊपर लड़के हमारे मार्गदर्शन से, हमारे फ्री सेमिनार से, हमारे के कैरियर गुरु टीवी प्रोग्राम से, और हमारा जो गगरी कैरियर एकेडमी की एप्लीकेशन है, गगरी एकेडमी एप्लीकेशन, और हमारी जो वेबसाइट है गगरी कैरियर डेवलपमेंट एकेडमी, उसमें गगरी करंट अफेयर्स नाम से जो वेबसाइट है, उनमें हम फ्री पीडीएफ बुक्स रखते हैं। 32,000 से ज्यादा लड़के पास हुए, वो इसीलिए पास हुए कि हमने प्रीमियम उसको बुक्स दिए, उनको प्रीमियम मार्गदर्शन दिया। उस हैसियत से वो लोग पास हुए कि जब उनको कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले जो थे वो सैटरडे संडे आके मुझे मिलते थे, सैटरडे संडे उनको मैं 3-4 घंटे पार्ट टाइम जो होते उनको पैसे नहीं दिए ऐसे पढ़ा रहे, वो लोग आज गुजरात गवर्नमेंट में कॉन्स्टेबल में जॉब करते है, तलाटी में जॉब करते है, सेक्शन ऑफिसर के हैसियत से सचिवालय में जॉब करते है, डेप्यूटी कलेक्टर, मामलदार, पूरे गुजरात गवर्नमेंट और जो पंचायत सेवा प्रसन्नि मंडल है, स्टाफ सिलेक्शन है, और जितने भी क्लास 3 है, उन क्लास 3, क्लास 1, क्लास 2 सब मिला के 32,300 के ऊपर लड़के हमारे यहाँ से पास हुए। बहुत गर्व की बात है, जितना आपको मैं करूँ अभिनंदन बहुत कम है। लेकिन ये बताइए गर्वी जी, जो जिस तरीके से गुजरात के अंदर में आपने डेवलप किया है, तो क्या इंडिया में आने वाले लक्ष्य में भी तैयार करेंगे क्या आप सेंटर? हाँ, हम अभी गुजरात में जो ये हमारा अच्छा काम रहा, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने हमको ये अवार्ड से सम्मानित किया। हम राजस्थान के अंदर हमारी कास्ट है गढ़वी चारण, तो उधर अखिल भारतीय चारण समाज ने हमारा सम्मान किया था, वो इसीलिए सम्मान किया था कि हम एजुकेशन के अंदर ऐसा काम कर रहे थे। तो अभी हम आपको जगह जगह से, कितने जगह से आया है कि हमारे वहाँ सेंटर चालू कीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं वो काफी सराहनीय बात है, देश के लिए भी है। तो काफी आपको सीएम लोग या काफी एजुकेशन शिक्षा खाता आपको डेवलप के लिए बता बुलाए होंगे? हमको अभी राजस्थान के अंदर हमारा जो गढ़वी ग्रुप है वहीं पे जितने भी हमारे सरकारी जॉब करते हैं उन सब हमारे चारण बंधुओं ने बोला है कि आप जयपुर में ऐसा सेंटर शुरू कीजिए जिससे वहां के लड़कों को क्लास 3, क्लास 1, 2 पूरे इंडिया के अंदर वो जॉब ले सके। दूसरा कि हमारा जो चारण समाज चेन्नई में है, वो जो तमिलनाडु के अंदर, वो तमिलनाडु में हमारा चारण समाज, उन्होंने भी फेसबुक पे मेरी बात रख के फोन करके मुझे बोला है कि ऐसा एक सेंटर शुरू कीजिए। समाज तो ठीक है, लेकिन आपको तो काफी कोम से आता होगा, आपका विद्यार्थी जो है ग्रुप के लिए एक समाज नहीं होता है, सबों के लिए होता है। हाँ, सबके लिए। उन्होंने ऐसा ही बोला कि हम जो सेंटर शुरू करेंगे ना, वो हमारे पूरे इंडिया में, हम जो 2-3 स्टेट में भी स्टार्ट करेंगे 2-1 महीने में, उनमें राजस्थान में शुरू किया तो मतलब हमारे समय कोई भी लड़का आ सकता है, चेन्नई में शुरू किया तो उधर भी कोई भी लड़का आ सकता है, मगर वो उनको क्या है कि जो गुजरात के उसको ऐसा है कि भले चेन्नई में रहते मगर जीपीएससी पास करके उसको गुजरात में नौकरी करनी है, अगर वो गुजरात की जबासा में पास करता है आईएएस बना तो पूरे स्टेट में जॉब करेगा। ऐसे हमको मध्य प्रदेश के अंदर से यानी कहने का मतलब वो समाज जो है यहाँ से सूरत गए हो या बलसाट जैसे अदर स्टेट गए हैं, तो उनको क्या है गुजराती सीख करके फिर गुजरात में आने की हृदय अपनी ये कर रहे हैं, उनकी इच्छा है कि वो आउट ऑफ स्टेट रहते हैं तो उनको गुजराती सीखने में, अब उनके जो बच्चे इंग्लिश या हिंदी मीडियम पढ़ते तो तकलीफ हो, तो इधर उनको ऐसा है कि यहाँ भी जॉब करे तो ऐसा कोई गाइड मिले जिसकी वजह से वो दूसरे स्टेट में। तो आपको मैं बोलूँ अभी चेन्नई से ऐसी बात हुई है मेरी, तो वहां भी हम शुरू करेंगे, वो हम यूपीएससी पढ़ाएंगे, जीपीएससी का यहाँ का पढ़ाएंगे, वहां स्टाफ सिलेक्शन का पूरे इंडिया का जो आता है वो पढ़ाएंगे, उनको जितने भी बोर्ड है पूरे इंडिया के, आर्मी, एयरफोर्स, ऐसे जॉब के लिए तैयारी हिंदी इंग्लिश में करनी पड़ती वो भी उनको करवाएंगे। अभी हम 4 स्टेट का सोच रहे हैं, मध्य प्रदेश का, राजस्थान है, और तमिलनाडु और गुजरात, ये 4 स्टेट में हम ऐसे चलाएंगे कि 3,000 या 4,000 रुपए से ज्यादा हम फीस नहीं लेंगे। जब तक वो क्लास 3 में या क्लास 2 में जॉब नहीं लगे तब तक उसको हम मटेरियल खरीदेंगे, उसको हर संडे टेस्ट करवाएंगे, और पर डे उनको 2 आवर्स में उनको जो भी प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन में वो सॉल्व करवाएंगे। आज आप देखिए पूरे इंडिया ने, पूरे वर्ल्ड में जो शिक्षित लोग हैं उनमें बेरोजगारी है,